आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में। तो ये ट्रिगर पॉइंट्स होते क्या हैं? अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो ये मांसपेशियों में यानी कि मसल्स में जब छोटी छोटी गांठ बन जाती हैं तो उनको हम ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं। और इन ट्रिगर पॉइंट्स को दबाने से बहुत दर्द होता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं पर हो जहाँ पर ट्रिगर पॉइंट है। जैसे कि अगर मेरी गर्दन में ट्रिगर पॉइंट बना और मैं उसको दबाऊं तो दर्द यहाँ माथे पे या सरदर्द की तरह या जबड़े में भी महसूस हो सकता है। तो ये ट्रिगर पॉइंट्स एक कॉमन कारण है मसल पेन का। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोगों की गर्दन फ्रीज हो जाती है और वो गर्दन को हिला भी नहीं पाते हैं, और एक पॉइंट है जिसे दबाने से बहुत दर्द होता है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है ट्रिगर पॉइंट का और मसल पेन का। तो सरल भाषा में ये एक हाइपर इरिटेबल स्पॉट है मसल के अंदर, और ये इसलिए बन जाते हैं क्योंकि जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स नहीं कर पा रही हैं, और जब वो रिलैक्स नहीं कर पाती हैं तो उनकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ जाती हैं। उसकी वजह से जो शरीर है उनको पूरा नहीं कर पाता है और ये मसल और दर्द करने लगती है। तो ये ट्रिगर पॉइंट्स जो कॉमनली देखे जाते हैं शोल्डर ब्लेड एरिया में, गर्दन के निचले हिस्से में या लोअर बैक में या बटक एरिया में देखे जाते हैं, और ये एक साथ शरीर के दोनों साइड्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये ट्रिगर पॉइंट क्यों बनते हैं? इसका प्रमुख कारण है मसल इंजरी, और ये मसल इंजरी हो सकती है जब भी हम मसल को ओवर यूज़ करते हैं या एक्सटेंसिव स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। किसी एक्सीडेंट की वजह से हमारा चलने का तरीका अगर ठीक ना हो उसकी वजह से, या हमारा पोस्चर ठीक ना हो तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। ये जितने कॉमन है इनको आइडेंटिफाई करना उतना ही मुश्किल है, और ये ज़रूरी है कि जो भी आपके ट्रीटिंग फिजिशियन हैं या स्पेशलिस्ट हैं उनको इनके बारे में जानकारी हो और उनके दिमाग में ये हमेशा रहे कि ये कंडीशन हो सकती है, तभी इसका डायग्नोसिस बन सकता है। और इससे मिलती जुलती एक और टर्म जो है वो है मायोफेशियल पेन, यानी कि मांसपेशियां या उनकी जो कवरिंग है आसपास की उनसे उठने वाला दर्द। तो बहुत बार ट्रिगर पॉइंट्स के साथ साथ हम मायोफेशियल पेन का भी टर्म का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन ट्रिगर पॉइंट्स की ट्रीटमेंट में हमारा ये एम रहता है कि हम जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको रिलीज़ करें और मसल को अपने ओरिजिनल फंक्शन की तरफ, अपनी ओरिजिनल लेंथ की तरफ ले जाएं। ऐसा करने के लिए हम मदद लेते हैं फिज़िकल थेरेपी यानी कि फिजियोथेरेपी की, और उसमें बहुत अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस को हम जोड़ करके इस कंडीशन में आराम देने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइजेस मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए हो सकती हैं, उनको स्ट्रेच करने के लिए हो सकती हैं, या उनको रिलैक्स करने के लिए भी हो सकती हैं। एक्सरसाइजेस के साथ साथ में बहुत बार ठंडे गर्म का सेक या टेंस मशीन का भी प्रयोग लिया जाता है। और एक और जो विकल्प है जिससे जल्दी आराम आ सकता है वो है इंजेक्शंस का। इंजेक्शंस या तो खाली बिना कुछ इंजेक्ट किए हुए ड्राई नीडलिंग की मदद से किए जा सकते हैं, जिसमें हम एक सुई को जो ट्रिगर पॉइंट है उसके अंदर डालते हैं और उससे आराम आता है, या फिर ऐसा करते समय हम साथ ही साथ में कोई दवाई भी उसके अंदर डाल सकते हैं जिससे लंबा आराम आ सकता है। अगर ये ट्रीटमेंट इंजेक्शंस की करते समय अल्ट्रासाउंड की मदद ली जाए तो बहुत बार ये ट्रिगर पॉइंट्स को अल्ट्रासाउंड की मदद से क्लियरली आइडेंटिफाई कर किया जा सकता है, और उससे ट्रीटमेंट में भी आराम मदद मिलती है। एक और अहम बात यह है कि जो अंडरलाइंग कॉज है जिसकी वजह से ये ट्रिगर पॉइंट बन रहे हैं, चाहे वो चलने में परेशानी हो या पोस्चर की परेशानी हो या गेट की परेशानी हो, अगर हम उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो ये ट्रिगर पॉइंट्स बार बार बनते रहेंगे और हमें परेशान करते रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको नज़रअंदाज ना करें।